रुक करते हैं प्रदेश की ओर। हिमाचल परिवहन विभाग में बसों की कमी को अब प्रदेश सरकार जल्द ही पूरा करेगी और प्राइवेट फंडिंग के जरिए नए बस अड्डों का भी निर्माण किया जाएगा। यही नहीं, निर्भया कांड से सीख लेते हुए महिला सुरक्षा को लेकर भी अब वाहन चेकिंग सिस्टम से पैनी नजर रखी जाएगी। ये कहना है वन परिवहन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का। हिमाचल परिवहन विभाग में बसों की कमी को अब प्रदेश सरकार जल्द ही पूरा करेगी और प्राइवेट फंडिंग के जरिए नए बस अड्डों का भी निर्माण किया जाएगा। यही नहीं, निर्भया कांड से सीख लेते हुए महिला सुरक्षा को लेकर भी अब वाहन ट्रैकिंग सिस्टम से पैनी नजर रखी जाएगी। ये कहना है वन परिवहन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का। बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे गोविंद सिंह ठाकुर महिला सुरक्षा सहित परिवहन विभाग व फायर सीजन को लेकर संजीदा दिखे। पत्रकारों से बातचीत में गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश में निर्भया कांड जैसी कोई वारदात ना हो, इसके लिए वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए वाहनों की लोकेशन पर नजर रखने की बात कही, जिससे महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही टैक्सी ऑपरेटरों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। इसके साथ ही गोविंद ठाकुर ने प्रदेश के बदहाल बस अड्डों की स्थिति को सुधारने और नए बस अड्डों के निर्माण में प्राइवेट फंडिंग का सहारा लेने की बात कही। इसके साथ ही अब प्रदेश में बसों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही विभाग के बेड़े में 267 नई बसें खरीदने का भी गोविंद ठाकुर ने बात कही। गर्मियों के सीजन आते ही जहां प्रदेश के जंगलों में फायर सीजन शुरू हो जाता है, तो वहीं हर साल के हेक्टेयर जंगल आग की बलि चढ़ जाते हैं। वहीं अब फायर सीजन से निपटने के लिए वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर आग पर काबू पाने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स फायर टीम का गठन किया, जो कि आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास करेगी। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ तो उसके पश्चात एक निर्भया फंड बनाया गया और उसके बाद ये कहा गया कि मोटर व्हीकल एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि सभी के सभी वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगना चाहिए और उसका एक छोटा सा हिस्सा उसमें जीपीएस भी है, लेकिन जो अनेक प्रकार की सुविधाएं ताकि हर तरह से जो साथ में यानी कि महिलाओं की सुरक्षा है और उसके अतिरिक्त अन्य भी लोगों के लिए सबके लिए और जो हमारा जो ऑपरेटर है जो ड्राइवर है उसके भी सभी लोगों की सुरक्षा के लिए इसको सुनिश्चित किया गया कि जो मामला आता है तो हमने वन अग्नि नहीं लगनी चाहिए, उसके लिए हर सेंसिटिव रेंज स्तर पर भी हमने ये कहा है कि वहाँ पर एक एक दिन की एक एक कार्यशालाएँ आजकल आयोजित की जा रही हैं जिससे हमारे हर बीट के फॉरेस्ट गार्ड तक और उसके अतिरिक्त पंचायतों के चुने प्रतिनिधि हैं, महिला मंडल हैं, युवक मंडल हैं, एनजीओज हैं और सभी लोगों को मिला करके और उसमें हमने ये कहा है कि एक हमारी जो है रैपिड रिस्पॉन्स फायर फाइटिंग के अगेंस्ट एक फोर्स है तो उसके भी कुछ फॉर्म निकले हैं, उसका यानी जो भी मेंबर बनेगा तो इमीडिएटली एक मैसेज अलर्ट आता है कि ताकि कहां पर आग लगी क्या हुआ इसका, लेकिन उससे बचाव की दिशा में जनता में भी जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि वन संपदा का बहुत अधिक नुकसान होता है, ये नहीं लगनी चाहिए और यदि कहीं कभी तो कोई जानबूझ के करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और यदि कहीं गलती से हो गया और कहीं आग लगे तो उसका बुझाना इत्यादि का काम जहाँ सरकार की जिम्मेदारी है वहाँ पर हम सब की जिम्मेदारी उसको करें। सर, हिमाचल के बस स्टैंडों को लेकर क्या कहें? लेकिन कुछ स्थानों पर भी यह है कि हमारे पास अभी कहीं पर कुछ जमीन इत्यादि की कुछ समस्या है, उसको भी हम दूर कर रहे हैं और साथ में यह कि हमने कहा है कि कुछ जगह पर हम अभी प्राइवेट फंडिंग को भी हमने इनवाइट किया है तो वो भी करेंगे और लेकिन बस अड्डों की स्थिति को हम बहुत अच्छे से सुधारेंगे और अभी हमारे पास लगभग कोई 6-7 बस अड्डे ऐसे हैं जिनका काम चला है जो अभी हमारे उद्घाटन के लिए अभी तैयार है तो अब नए बस अड्डों का फाउंडेशन में अभी साल जो है प्रारंभ करके उनको शुरू कर रहे हैं। सर, हिमाचल के बेड़े में कितनी और बस?